मेरा नाम अनुराग आनंद है, मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, बिहार से, और बीपीएससी की 64th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरा 3rd रैंक आया है। एंड मैंने आईआईटी दिल्ली से 2016 में बीटेक किया था सिविल इंजीनियरिंग से, एंड बीपीएससी में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अदरवाइज मैं यूपीएससी में इस टाइम इंटरव्यू में भी अपियर हो रहा हूँ, पहले 2 बार मैंने मेंस लिख चुका हूँ। सो दिस इज माई स्टोरी एंड माई ऑप्शनल इज सिविल इंजीनियरिंग। सो मैं अब स्ट्रैटजी शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अप्रोच किया इस एग्जाम को। सो 3 स्टेजेस होते हैं इस एग्जाम में, जैसा कि आपको पता होगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स इज 150 मार्क्स, और जिसमें मैंने, चूंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, तो दोज वर प्रीटी क्लियर। तो मुझे स्पेसिफिकली बिहार स्पेसिफिक की तैयारी करनी पड़ी प्रीलिम्स के लिए। तो उसके लिए मैंने नेट पे यूट्यूब का सहारा लिया बहुत ज्यादा, कि यूट्यूब पे आजकल काफी अच्छे चैनल्स थे जहां मुझे बिहार स्पेसिफिक वाले सोर्सेज मिल गए, जैसे एडुटेरिया एक चैनल है, और भी कुछ चैनल्स है, प्रवीण सर का एडुटेरिया चैनल है, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो वहां से मैंने किया, एंड बिहार स्पेसिफिक के लिए एक दो और मेरे कुछ एक सीनियर है, तो उन सीनियर एक रिलेटिव है, वो भी बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनसे मैंने गाइडेंस ली कि बिहार स्पेसिफिक कहाँ से किया जाए। सो आफ्टर दैट आई अपीयर्ड इन प्रीलिम्स, एंड प्रीलिम्स वाज कंपैरेटिवली सिंपलर देन यूपीएससी, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटजी आई फॉलोड, आई वाज एबल टू क्लियर इट बाय क्वाइट अ 10 मार्क्स अबव कट ऑफ। सो दिस इज अ फुल प्रूफ स्ट्रेटजी दैट कवर योर बेसिक्स फर्स्ट, अपने बेसिक्स कंप्लीट कीजिए, एंड बिहार स्पेसिफिक के लिए आप किसी एक सोर्स को पकड़ के आप वहां से कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट प्रीलिम्स, एंड प्रीलिम्स में बेसिक बुक्स, जैसे मैं बता देता हूँ एक बार की शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन सी बेसिक बुक्स, जो यूपीएससी वाली बेसिक बुक्स होती है वही मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत से किया था, एंड हिस्ट्री के लिए मॉडर्न पार्ट मैंने स्पेक्ट्रम से किया था, और एंशियंट एंड मेडिवल मैंने किया था, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आती है उससे किया था मैंने, एंड एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक आती है पीडीएफ, इट्स अ बुकलेट, तो उससे मैंने कवर किया था अपना एनवायरमेंट, एंड इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक आती है, तो आई कवर्ड इकोनॉमी फ्रॉम दैट। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, बीपीएससी में उतना इम्पोर्टेंट, मतलब स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर के वैसे क्वेश्चन नहीं आते जितना कि यूपीएससी में आता है, इसलिए इसमें इतना इंटेंसिव स्टडी की जरूरत नहीं है। मैं बस अपना बताता देता हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी की स्पेसिफिक तैयारी कर रहा था, मैंने ऐड ऑन किया था इसमें बिहार स्पेसिफिक पर। अगर आप सिर्फ बीपीएससी के लिए कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट होगी, जो कि मैं उतने अच्छे से शायद ना बता पाऊँ, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली इसकी तैयारी नहीं कर रहा था। तो प्रीलिम्स की तैयारी आप देख सकते हो, बहुत सी स्ट्रेटजी वीडियोज यूट्यूब पे हैं, अच्छी वीडियोज हैं, प्रवीण सर के भी वीडियोज हैं एडुटेरिया पे, तो आप उससे कवर कर सकते हो। तो ये हो प्रीलिम्स की बात। और हाँ, करेंट अफेयर्स एक मेजर कंपोनेंट है इस प्रिपरेशन का। तो करेंट अफेयर्स में बीपीएससी के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए दो उसके कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स, एंड सेकंड इज जनरल करेंट अफेयर्स, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बीएड, यूपीएससी और बीपीएससी, एनीथिंग। और दूसरा पार्ट है जो बिहार के स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स, जैसे सीएम ने किसी योजना का उद्घाटन किया या फिर किसी स्कीम को लॉन्च किया, तो इस तरह के क्वेश्चन कि कब किया, स्कीम से रिलेटेड जो चीजें, सात निश्चय में क्या है, क्या क्यों है, इस तरह की चीजें। तो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए सेम मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, और बिहार इकोनॉमिक सर्वे है उसको फॉलो किया था, तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ बिहार। और हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए, सेंसस को आपको अच्छे से कवर करना है। सेंसस में हो गया कि जैसे लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, दीज थिंग्स, These data should be on the tip of your hand, क्योंकि इससे direct questions आते हैं और ये expected है कि आप गलत ना करें। So this is about prelims exam. अब आते हैं mains पे। तो mains में जैसे आपको पता होगा कि 3 paper होते हैं इसमें, GS1, GS2 और optional, और एक हिंदी का paper होता है, that is very easy, अगर आप decently भी अगर आपने पढ़ाई की है 10th तक हिंदी, तो आप उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो GS1 में 300 नंबरों में करीब 8 क्वेश्चंस होते हैं, तो 2 क्वेश्चन स्टैट्स के होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो स्टैट्स के क्वेश्चंस हैं 3-4 सालों के, तो आप उसे प्रैक्टिस कर लो, तो उसके अलावा उसके में और मेरे ख्याल से और कोई जरूरत नहीं है कुछ और उसमें दिमाग लगाने की, बस दैट इज इनफ। पिछले 2-3 साल के आप स्टैट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, 6-8 क्वेश्चंस,
सो दैट इज ना, इस एग्जाम को बीपीएससी में अगर आपको अच्छे रैंक से क्लियर करना है तो यू हैव टू इंश्योर कि स्टैट्स आपका एक भी गलत ना हो, मैक्सिमम जितने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप स्टैट्स में करने पड़ेंगे आपको. सेकेंडली जीएस वन के लिए फर्स्ट पार्ट होता है जीएस वन का, जिसमें कि बिहार हिस्ट्री, बिहार कल्चर से रिलेटेड सवाल आते हैं, 3 सवाल. तो उसमें एक काइंड ऑफ आप अगर पिछले 5-7 सालों का पेपर देखोगे तो आप थोड़ा कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं. तो आप करीब 15-20 टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए पार्ट वन के लिए, जीएस के पार्ट वन के लिए, और उसको अच्छे से अपने आंसर्स प्रिपेयर करिए और उसको रिवाइज करते रहिए. क्योंकि वहां पे जाके आप सोचोगे कि मैं एक बार पढ़ लिया है बस, वहां जाके अब रिप्रोड्यूस कर दूंगा सीधे, तो वैसे पॉसिबल नहीं होता. थिंग्स हैव टू बी इनग्रेंड इन योर माइंड, छपी होनी चाहिए आपके दिमाग पे, तब जाके आप वहाँ एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे उस सब चीजों को. तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए और उसको आप जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करो. और उसके पार्ट टू के लिए जीएस के 3-3 और 2 क्वेश्चंस होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए में 3 क्वेश्चन, पार्ट बी में 3, और स्टैट्स के लास्ट वाले पार्ट में 2. तो मैंने पार्ट ए और पार्ट सी का बता दिया है, पार्ट बी का बताता हूँ कि इसमें करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड जनरली क्वेश्चंस होते हैं. जैसे कि मेरे टाइम में था कि इंडिया नेपाल का इशू उस समय बहुत चल रहा था, तो उस पर क्वेश्चन था. तो इसमें भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने फॉलो किया था, विजन की बुकलेट आती है, विजन आईएएस, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो. मैं स्पेसिफिकली रिकमेंड नहीं कर रहा इसे, आप किसी भी कोचिंग की बुकलेट या किसी भी सोर्सेज मिल जाएंगे, आप नेट से भी कर सकते हो. आप टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, जैसे इंडिया नेपाल हो गया, अभी जैसे चल रहा है कि चाइना से रिलेटेड इश्यूज है, इंडिया चाइना के, इंडिया पाकिस्तान के, एक्ट ईस्ट से रिलेटेड इश्यूज है, जो भी आपको न्यूज में मेजर इश्यूज मिल रहे हैं उससे रिलेटेड अपने नोट, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो 2 या 3 पेजेस में, और उसको कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो उससे सप्लीमेंट करते रहो. कोई न्यू डेवलपमेंट हुई तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना. जैसे नेपाल में अभी स्ट्रगल चल रहा है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है कि फोकस करना कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था, जो डिसॉल्व किया है वहाँ के प्रेसिडेंट ने वहाँ की पार्लियामेंट को. तो ये सारी चीज़ों को आप अपने नोट्स में कंटिन्यूसली ऐड कर सकते हो. तो ये आपको काफ़ी काफ़ी अच्छे नंबर्स फेच करेगा अगर करेंट से रिलेट करते हो आप अपने आंसर्स को. तो सो दिस इज अबाउट जीएस वन. जीएस टू में भी 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. 3-3 और 2 क्वेश्चंस करने होते हैं तीनों में से. तो पार्ट ए इज अबाउट पॉलिटी. पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चंस करीब पॉलिटी के होते हैं. तो उसमें मैंने फोकस किया था कि मैंने जीएस टू की तैयारी की थी यूपीएससी के लिए, तो उससे मेरा कवर हो गया था ये भी. बट अगर आप सिर्फ पीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत अगर आपका थॉरो है तो आपके पास कंटेंट हो जाएगा लिखने के लिए इसमें. अदरवाइज इसमें भी आप करीब 20 टॉपिक है, 15-20 टॉपिक जो पिछले साल का अगर आप देखोगे, पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उससे आप गेस कर सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू एक फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, तो इस पे क्वेश्चंस आ ही सकते हैं. फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो एक ब्रॉड थीम्स है इंडियन पॉलिटी में, इस पे जैसे अभी फेडरलिज्म से रिलेटेड काफी इश्यूज चल रहे हैं या गवर्नर से रिलेटेड काफी इश्यूज चल रहे हैं, तो इस पे आप काफी एक्सपेक्ट कर सकते हो. कमिंग जो बीपीएससी का 66 का मेंस होने वाला है, तो इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑन दीज लाइंस. तो पॉलिटी के क्वेश्चंस उतने टफ नहीं है, जस्ट प्रिपेयर योर नोट्स ऑन 20-25 टॉपिक्स जो भी है ब्रॉड थीम्स वाले, जैसे मैंने बताया कि फेडरलिज्म हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया, इस तरह के. फिर सेकंड पार्ट में आता है कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पे आप थोड़ा थॉरो होना पड़ेगा. इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप अगर पुअर क्वालिटी आंसर्स लिखोगे तो फिर मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. जनरल आंसर लिखोगे तो मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अच्छे मार्क्स. तो यहाँ पे आप फिर वही बात है कि हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वही है एक गाइड की किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो गो थॉरली विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 10 साल के, और इसमें सिर्फ अपने आप को लिमिट मत करिए कि जितना पहले पूछा गया है वही अब भी पूछा जाएगा. इसमें बस आप आइडिया लीजिए कि कौन कौन सी थीम्स बीपीएससी टच करती है और उस थीम्स पे ब्रॉड नोट्स बना लीजिए. जैसे कि इंडियन प्लानिंग हुआ, या फिर एग्रीकल्चर के इश्यूज हुए, या मैन्युफैक्चरिंग के इश्यूज हुए, और इनके नोट्स काफी अच्छे बने होने चाहिए आपके, काफी डेटा से भरे, और जो भी रिसेंट इंडेक्स निकली है, रिपोर्ट निकली है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में होनी चाहिए. तो आप ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप कुछ किसी भी एक इंडियन प्लानिंग को लोगे, उस पर थोड़ी देर रिसर्च करोगे नेट पे बैठ के, तो आपको सफिशियंट कंटेंट मिल जाएगा. बात है कि उसे आपको रिवाइज करते रहना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि आप जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि एग्जाम में पहली बार में ही आप सारे चीज़ों को उतार दोगे पेपर पे.
सो वही है प्रीवियस ईयर पेपर, और उससे एक ब्रॉड थीम्स बनाने हैं कि हाँ ये ज्योग्राफी से ये पूछा जा सकता है, इकोनॉमी से ये थीम्स में पूछे जाते, नॉट क्वेश्चन एग्जैक्टली बट थीम्स ये पूछा जा सकता है, और उस थीम्स पे अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए बार बार। थर्ड पार्ट होता है जिसमें दो क्वेश्चन होते हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं, तो वो भी उसमें यही काफी स्कोरिंग होता है, क्योंकि अगर आप इसमें साइंस के क्वेश्चन में अगर सही आंसर लिखोगे, क्योंकि यहाँ ओपिनियन जैसा कुछ होता नहीं है, एग्जैक्ट आंसर होते हैं, जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है, तो इसका एक सेट आंसर है, अगर आप सेट आंसर लिखोगे वो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अगर आपने अच्छे आंसर लिखे, जैसे मैंने इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट बना दिया था जो कि मुझे मैंने पढ़ा था कुछ दिनों पहले ही, तो मेरे ख्याल से वो सब चीजें ऐड ऑन होती हैं और आपके आंसर को इनहांस करते हैं। तो साइंस एंड टेक इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट इन पेपर टू मेरे ख्याल से। तो आप इस पे ब्रॉड टॉपिक्स है, 15-20 टॉपिक्स है इसमें भी, जो आपको कहीं पे भी नेट पे रिसर्च करोगे, यूट्यूब पे रिसर्च करोगे तो मिल जाएंगे 15-20 टॉपिक, और उस पे आपको अच्छे नोट्स तैयार होने चाहिए। मुद्दा ये है कि बीपीएससी में सिलेबस प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बट है कि किस तरह एकदम अच्छे आंसर वहाँ रिप्रोड्यूस किए जाए उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस और रिविजन। सो दिस इज अबाउट पेपर टू। अब आते हैं ऑप्शनल पे, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपका होगा उस पर आप कर सकते हैं। मेरा जैसे सिविल इंजीनियरिंग था, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि बहुत लोग होते हैं कि जो इंजीनियर, पहले उससे पहले मैं थोड़ा सा बस अपनी शेयर कर देता हूँ चीज कि जैसे बहुत लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग ऑप्शनल से भागते हैं, नहीं लेना चाहते बीपीएससी में, वो सोचते हैं कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल में मतलब मार्क्स नहीं आएंगे, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत लोग, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने भी, बहुत लोग अच्छे थे इंजीनियरिंग में, उन्होंने भी छोड़ के सोचा कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं लेंगे, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लिया, ज्योग्राफी ले लिया, किसी ने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया। ये तो मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मैंने एक तो एक दिक्कत है इंजीनियरिंग ऑप्शनल में कि प्रीवियस ईयर पेपर मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि मुश्किल से 10 लोग मेंस देते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के गिनती से 10 या 15 लोग मेंस देते हैं, तो इसका इसलिए इसका पेपर मार्केट में मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी मैंने पिछले 2 साल के पेपर उठाए सिविल इंजीनियरिंग के देखने के लिए, तो मैंने देखा कि इतने अगर कोई डायरेक्टेड तैयारी करे इसकी, तो ये इतना मतलब अप्रोचेबल है ना, जो मतलब आप समझ नहीं सकते कि ये फालतू में हम लोगों में डर बैठा हुआ है कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए या नहीं ले सकते ऐसा कुछ। आपको 12 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि डिवाइडेड में 4 या 5 सेक्शन में, हर एक सेक्शन से 1 या 2 सवाल करना होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में जैसे 12 सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली, अगर बात किया जाए तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट, जो सिविल इंजीनियरिंग के है उन्हें पता होगा कि 12 सब्जेक्ट होते हैं, और यहाँ पे अगर आपको 12 सब्जेक्ट में 6 या 7 पे भी पकड़ है अच्छी, जैसे आपको स्ट्रक्चर्स पे पकड़ अच्छी है या जियो टेक्निकल पे अच्छी पकड़ है, तो यू विल सेल थ्रू इन दिस एग्जाम। यहाँ पे क्वेश्चंस का होता है वो इंजीनियरिंग सर्विस से बिलो पार होता है लेवल, आप करना चाहो अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी की है आपने, तो आपके लिए तो ये बेस्ट है। अगर नहीं भी किया है तो भी आप अगर देना समय देना चाहो इसमें, ये सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा समय मांगता है कि अगर इसकी थोड़ो तैयारी करने के लिए मिनिमम 7 से 8 महीने आपको लगेंगे, बट वंस 7-8 महीने हो गए उसके बाद फिर ये आपके लिए इतना रिवॉर्डिंग होगा, क्योंकि बस आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। अब जब आपकी वो एक लेवल ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ प्रैक्टिस अचीव हो गई, तो आप समझ लो कि 300 के क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें 300 में मैं 270 तक का आप करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, 270+ का आप करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मेरा एग्जाम थोड़ा सा मेसअप हो गया था लास्ट में, बट फिर भी मैंने करके 270-280 का मुझे लगता है कि मेरा करेक्ट अटेम्प्ट था। तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल में अगर आपको कोई स्पेसिफिक अगर किसी को कुछ डाउट हो, तो आप यू कैन रीच आउट टू मी बीपीएससी के लिए। हाँ, बीपीएससी में सिविल इंजीनियरिंग में एक पार्ट बस होता है जो कि लोगों को पुट ऑफ कर देता है, कि एक इसमें 6 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है जिसमें कि फोरट्रान लैंग्वेज होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो फोरट्रान जनरली लोग पढ़ते नहीं है, ना इंजीनियरिंग सर्विस के सिलेबस में है, ना किसी में है वो, ना किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तो लोग ये देख के डर जाते हैं कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं, कहाँ से पढ़ूँ क्या, जबकि वो बहुत सिंपल है। मेरे साथ भी सेम डाउट आया था कि क्या करूं इसके बारे में, तो बट मैंने नेट से थोड़ा सा रिसर्च किया फोर्ट्रान के बारे में और एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बना ली उससे रिलेटेड कि क्या होता है, उससे बेसिक एक लाइन का कोड कैसे लिखें, उसमें छोटे छोटे कोड्स कैसे लिखें, ये मुझे करने में 2 या 3 दिन लगे मैक्सिमम। आप भी करोगे तो इसमें कुछ नहीं है, और इसके क्वेश्चंस इतने सिंपल आते हैं कि आप एक बार बस अपना बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लोगे फोर्ट्रान की, तो आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। सो फॉर न्यू कमर्स, प्लीज डू कंसिडर इंजीनियरिंग ऑप्शनल, बिकॉज दिस ऑल्सो ओपन्स न्यू डोर्स फॉर यू,
क्योंकि बीपीएससी अगर आप देते हो तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है डिफरेंट स्टेट्स के वो भी दे सकते हो. अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी काफ़ी एवेन्यूज बढ़ जाएंगी अगर आप इंजीनियरिंग ऑप्शन लेते हो तो. सो प्लीज़ डू कंसिडर. मैं ये नहीं कहता सभी को कि सब ले लो, बट आप प्लीज़ कंसिडर कर सकते हो आप इसको. सो दिस इज अबाउट द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की थी इसके लिए. माई इंटरव्यू वॉज जैसे कि मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा था. मैंने इंटरव्यू के समय मेरा यूपीएससी मेंस भी था तो मैं ज़्यादा इस पे फोकस नहीं कर पाया था, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी इंटरव्यू दिया था. जैसे कन्हैया ने, एक मेरा फ्रेंड है तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो मैंने उनसे शेयर किया था, ब्रॉडली पूछा था कि किस लाइन पे मैं प्रिपेयर करूँ. तो मुझे पता चला कि बीपीएससी इंटरव्यू एंड यूपीएससी इंटरव्यू में एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं. यूपीएससी में कम आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं. तो मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि जो ब्रॉड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की, जैसे कि बिहार में कितनी रिवर्स हैं, कौन सी रिवर्स कहाँ से गुजरती है, या किस रिवर गंगा की कितनी लेंथ है, मतलब इस तरह के जो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि एक सीरियस कैंडिडेट को आने चाहिए. तो मैंने उसे कवर कर लिया था, बट मेरा इंटरव्यू जो है वो बिल्कुल भी फैक्चुअल लाइन पे नहीं गया. तो मैम ने जाते ही मेरे से पूछा कि आप क्यों आना चाहते हैं बिहार, तो मैंने इसका आंसर दिया. और उसके बाद उन्होंने मेरे हॉबीज पूछे थे, तो मैंने हॉबीज में अपने बताया था कि मुझे हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद है, और मुझे जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे फुटबॉल देखना पसंद है और डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है. तो मैम ने डॉक्यूमेंट्रीज पे फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे कि सबसे लेटेस्ट आपने कौन सा देखा, उससे क्या सीखा आपने, किस थीम पे बेस्ड है. फिर एक मेंबर थे, उन्होंने मुझसे हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सवाल किए. उन्होंने चार पांच, मतलब 5 मिनट तक उन्होंने ही सवाल किए थे हिस्ट्री से रिलेटेड, स्पेसिफिकली बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड. तो उनका जैसे एक सवाल मुझे याद है काफ़ी अच्छा, कि उन्होंने पूछा था कि आपके नज़र में कौन सा ऐसा एक इवेंट है बिहार हिस्ट्री में विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर बिहार, मतलब कौन सा था जिसमें कि बिहार एक एंशियंट टाइम्स में इतने ग्लोरी वाले स्टेज में था, इतने ग्लोरीफाइड जगह था, और जो कि अब जाके आप काफी सारे सोशल इंडिकेटर्स में इतने पीछे क्यों चला गया, मतलब कौन सा आप एक इवेंट को पिन पॉइंट करते हैं जिसके कारण ऐसा हुआ. तो मैंने इसका आंसर दिया था उस समय जो मुझे समझ आई, मैंने इसका आंसर दिया था कि बख्तियार खिलजी के द्वारा जो नालंदा लाइब्रेरी थी उसको जलाना, नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाना और वहाँ की लाइब्रेरी को जलाना. तो सर कन्विंस हुए थोड़े से, बट उन्होंने एक अपना एक इवेंट दिया और दिया, अपनी तरफ से वो ऐड किया था कि ब्रिटेन ने जो 1857 के बाद जो अपना स्ट्रेटजी बनाई कि बिहार से रिक्रूट करने बंद कर दिए थे, बिहार को सप्रेस करना शुरू कर दिया था. तो ये था, इस पे फिर काफ़ी अच्छा डिस्कशन चला था सर से, तो उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, मैंने अपने पॉइंट्स रखे, तो वो इम्प्रेस्ड लग रहे थे. और उसके बाद फिर मैम ने मेरे से फिर एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा था कि आप सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज को कैसे यूज़ करोगे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में. तो मैंने बताया कि मैम बिहार के बहुत सारे चैलेंजेस जैसे फ्लड मैनेजमेंट हो गया, तो ये इट इज़ अ इनहेरेंटली सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम. तो यहाँ पे अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज होगी और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी हो तो यू कैन बेटर कंबाइन बोथ ऑफ योर नॉलेज टू गेट सिनर्जिस्टिक आउटकम्स, कि आप दोनों से आउटकम अच्छा कर सकते हो. अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज है तो आप पता कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे एम्बैंकमेंट बनना चाहिए, इस एम्बैंकमेंट को अब रिप्लेस करना चाहिए, अब रिपेयर करना चाहिए, इस तरह के डिसीजन आप खुद ले सकते हो रादर देन बी डिपेंडेंट ऑन समवन. तो ये अच्छा था. और इसके बाद एक दो और सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि जिसका मैंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया था. सो दिस वॉज अबाउट द इंटरव्यू. प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी तरह के इश्यूज आते हैं, सेल्फ डाउट्स आते हैं, क्योंकि जो समाज की सच्चाई ये है कि लोग केवल फाइनल रिजल्ट देखते हैं. जैसे और लोगों को लगता है कि ये लड़का था इसका ठीक है अच्छा था ये हो गया फाइनल, जबकि इस रिजल्ट के पीछे कितने स्वेट्स जाते हैं, कितने रातें जाती हैं ऐसे जब नींद नहीं आती, कितने ऐसे दिन गुजरते हैं जब पढ़ने का जोश खत्म हो जाता है, लगता है कि कर पाऊंगा या नहीं. इस अनगिनत ऐसे स्टोरीज सिर्फ मेरी ही नहीं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं क्लियर हुआ जिनका, मैक्सिमम की ऐसी स्टोरीज होगी. तो इस पे मैं थोड़ी सा बात करना चाहूंगा इस चीज के बारे में कि कैसे, पहले तो कि कैसे कोप अप करें ये सब जो आती है सिचुएशन बीच प्रिपरेशन के दौरान उससे. तो फेलियर जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, कोट हर जगह पढ़ते हैं कि फेलियर इज जस्ट पाथ टू सक्सेस, तो ये सही बात है. मतलब हम लोग इस तरह सोचते हैं कि ये किताबी बात है, इस तरह से बुकिश चीज है, बट दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ. जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए थे और यूपीएससी में मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था मैं, जस्ट दोनों बार 7 और 8 मार्क्स से दोनों बार मेरा रह गया था मेंस.
एंड दैट वाज वेरी डिवास्टेटिंग फॉर मी, क्योंकि आप साल भर किसी चीज की आप डेली पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो, और तब जाके लास्ट मोमेंट पर आपको पता चलता है कि नहीं 8 मार्क्स से छूट गया, जो कि 8 मार्क्स कभी भी इधर से उधर हो सकता है, कि आपका ये सोचते हो कि आप अच्छे, अरे मेरा 2 क्वेश्चन सही हो जाता तो 8 मार्क्स तो आ जाते ऐसे ही, तो इस तरह की चीजें आती है। तो उसके बाद खुद को जो लिफ्ट करना होता है ना, खुद को उठाना होता है ना, वहां पे अगर आपका सपोर्ट सिस्टम, फैमिली है आपके पास, आपके पास टीम ज्यादा नहीं, क्लोज फ्रेंड्स का एक सर्कल है बस अपना, तो फिर वो वहां पे आप बैक कर सकते हो, उन पे बैक कर सकते हो। तो जो मैंने भी वही किया, मेरे क्लोज फ्रेंड्स का जो सर्कल है और जो फैमिली है, जस्ट उसको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाया, और उसके बाद फिर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और आई एम जस्ट एकदम मैं डोर पे नॉक कर रहा हूँ, सक्सेस के डोर पे नॉक कर रहा हूँ, तो अभी गिव अप नहीं करना। तो ये फीलिंग जो है, ये आपको बस अपने अपने आप को पूरी तरह से, मतलब मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, अपना एक ओपिनियन देता हूँ, मे बी ये सब पे ट्रू ना हो, कि आप कम्प्लीटली आइसोलेट ना कर लें दुनिया से, अपने आप को फैमिली से, फ्रेंड से, सबसे आइसोलेट ना कर लें, आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम जरूर से जरूर बनाए रखें, क्योंकि ऐसे ऐसे दिन आएंगे जब आप बहुत लो फील करोगे, बहुत डिफीटेड फील करोगे, तो उस दिन के लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, आपको बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स चाहिए होते हैं। तो इसके लिए कम्प्लीटली कट ऑफ मत करो दुनिया से आप अपने आप को, आप सिलेक्टेड लोगों से जो आपको लगता है कि आपके वेल विशर्स हैं उनसे आप कनेक्टेड रहो। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आती है कि बिहार जैसा राज्य है तो यहाँ पे गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में लोग रहते हैं, लोगों की एस्पिरेशंस होती है जॉब की, बीपीएससी करने की, यूपीएससी करने की। तो इसमें अब बात आती है कि सबके पास मींस इतने नहीं होते कि वो पटना जाके या दिल्ली जाके वो प्रिपरेशन कर पाए। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, टोटली गेट दैट, बट मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, और ये मैं बिल्कुल भी एकदम हार्डली फील करके बात कहना चाहता हूँ आपसे, कि वो एक टाइम था, एक जमाना था, जब आज से 10 to 15 years पहले, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, टेलीग्राम नहीं था, सबका तब नेसेसरी था, तब कोचिंग नेसेसरी थी, तब क्योंकि आपको पटना जाना है आप या दिल्ली जाना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता था उससे पहले कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं होती थी आज से 10 to 15 years पहले। तो इसके लिए कोचिंग के या इसकी गाइडेंस की जरूरत डेफिनेटली पड़ती थी, क्योंकि वो बताते थे कि हाँ ये पढ़ो, ऐसे करो, ये करो, ये चीज ट्रू थी। लेकिन आज की डेट में जब आपके घर घर के पास, सबके पास हाथों में स्मार्टफोन्स है, चाहे कुछ हो नहीं, स्मार्टफोन्स तो सबके पास होते हैं आजकल, तो और इंटरनेट कनेक्शन है सबके पास, यूट्यूब के पास, यूट्यूब एक्सेस कर सकते हो आप, टेलीग्राम एक्सेस कर सकते हो, ये सर आज की डेट में मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि बिना कोचिंग के अगर आपके पास मींस है और आप में डेडिकेशन है, करने की क्षमता है, आप करना चाहते हो, तो आप कोई नहीं रोक सकता, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको रोक सकती है, क्योंकि ए टू जेड सारे मटेरियल्स, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो भी बताया था कि ये किताबें हैं, ये सोर्सेस हैं, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे इसके डिस्कशंस मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, समझ में नहीं आ रही तो एनसीईआरटी के एक्सप्लेनर वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, उनको देख सकते हो, आपको ऑप्शनल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, आप यूट्यूब पे उसके देख लोगे तो आपको बड़े से बड़े टीचर्स जो हैं इंडिया के वो उसको एक्सप्लेन करेंगे उस कॉन्सेप्ट को, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आप घर बैठे आप देख सकते हो। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही कि मेंस के लिए क्या कैसे करो, आप तुरंत YouTube पे जाओ, अच्छे जो चैनल्स हैं उस पे कुछ कुछ को देखो आप कि कैसे किया जाए, आपको अच्छे से अच्छे टीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हुए मिलेंगे कि हाँ इस तरह का आपका अप्रोच होना चाहिए, ये चीज अवॉइड करो, ये सारी चीजें। सो मैं पर्सनली फील करता हूँ, शायद ये थोड़ा हिपोक्रिटिकल लग सकता है कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं ज्यादा, बट पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से मैं, क्योंकि मैं खुद अपना मानता हूँ, हाँ मैं थोड़ा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूँ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी था कि मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर सकता था, बट मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा है लोगों को, मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि घर पे रहते थे और घर से रहकर उन्होंने तैयारी की और दे सिक्योर्ड गुड रैंक इन बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस। सो मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपको, अगर आपके दिमाग में है कि कोचिंग इज अ नेसेसिटी, आपको जाना ही पड़ेगा बाहर, तो दैट इज नॉट, आपके अंदर अगर सफिशिएंट डेडिकेशन है तो आप कर सकते हो घर पर रह के, क्योंकि सारे मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, स्ट्रैटजी अवेलेबल है, तो देयर इज जस्ट वन थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम सक्सेस, और जो कि आप डेडिकेशन, और जिस डेडिकेशन अगर आपने ले आया और कमिटेड हो गया आप इस कॉज पे, सिंगल माइंडेड फोकस हो गया कि नहीं मुझे क्लियर करना ही है, तो आई डोंट थिंक कि कुछ है जो आपको स्टॉप कर सकता है इस वक्त। हॉबीज के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि डैफ में बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं कि हॉबीज में क्या फिल करें क्या नहीं करें, तो
मेरा ओपिनियन में यहाँ पे कंप्लीटली ऑनेस्ट होना चाहिए कि जैसे वहां पे जो इंटरव्यू हमारा लेते हैं दे आर वेरी सीनियर पीपल, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, जो कि जिन्होंने अपने करियर में केवल 25 से 30 साल लोगों से ही डील किया है. तो उनके सामने अगर हम सोचते हैं कि हम कोई फेक हॉबी लिख देंगे या उनके सामने थोड़ा इससे हम अपना इंप्रेशन बनाएंगे, तो ये हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बहुत सीनियर लोग होते हैं, दे कैन सी राइट थ्रू यू. हमें लगता है कि हम उन्हें फूल कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वहाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं. तो बेटर है कि आप ट्रूली ऑनेस्ट रहो. और हॉबी के समय जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेट लिखो, बैडमिंटन लिखो या कोई स्पोर्ट्स लिखो, ही नहीं खेलते हो फिर भी लिखो. आपको फिल्में देखना पसंद है तो आप वो लिख सकते हो. बट बशर्ते आपको हॉबीज का एक पर्पस होता है मेरे ओपिनियन में इंटरव्यूज के कॉन्टेक्स्ट में, कि आप उसको कैसे लिंक कर सकते हो कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव हॉबी. नॉट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास के लिए मूवी देखता हूँ. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मूवी देखना किसी का हॉबी है, तो वो देखना चाहते हैं कि ये मूवीज देखने को कैसे कंस्ट्रक्टिवली लिंक कर सकता है अपने पर्सनैलिटी से. ये नहीं कि सिर्फ टाइम ऐसे पास कर रहा है तो मूवी देख रहा है, ऐसे नहीं. तो आपका फोकस कुछ भी लिखो, आप हॉबीज में लिख दो ठीक है वॉचिंग मूवीज, लेकिन आप खुद एक आंसर प्रिपेयर करो कि इसको मैं कंस्ट्रक्टिवली कैसे लिंक कर सकता हूँ. हाँ, मूवीज देखना है मुझे, मूवीज से जो इंडिया के सोशल इश्यूज है उसके बारे में काफी क्रक्स में डिटेल में जानकारी मिलती है. जैसे कोई मूवी है तो मुझे पता चलता है कि हाँ गाँव में आज भी कास्ट सिस्टम कितना प्रिविलेंट है. इसे आप, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आप लिंक कर सकते हो कंस्ट्रक्टिवली इसको, कि और अपने टास्क एट हैंड आप एक बेसिकली जॉब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आपको कैसे हेल्प करेगा उस जॉब में, तो आप उसको उससे लिंक कर सकते हो. बाकी आपकी अगर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो दैट इज वेरी, मतलब एक एडवांटेजियस है कि उसको हॉबी में लिखना ज्यादा डिजायरेबल है. बट अगर आप नहीं भी खेलते तो भी आपको कुछ भी कंस्ट्रक्टिव हॉबी है, आपको गाने सुनना तो पसंद होगा, मतलब इस तरह कुछ तो होगा जो आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हो. जस्ट जॉगिंग लिख सकते हो आप, वॉकिंग लिख सकते हो, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, एनीथिंग. जस्ट बी ऑनेस्ट एंड उसको कंस्ट्रक्टिवली लिंक करना है आपको कि हाउ विल दैट हॉबी हेल्प यू इन योर जॉब. जैसे कि आप वॉकिंग है लेट से, तो हाँ ये मेरे माइंड को काम करने में हेल्प करता है, मैं अच्छे डिसीजंस ले पाता हूँ इसके बाद, एक अच्छे वॉक मॉर्निंग वॉक के बाद अच्छे डिसीजंस ले पाता हूँ. तो इस तरह के आप लिंक करना है बेसिकली. तो हॉबीज में आपको टेंशन नहीं लेनी, आप जो भी आपको सही अच्छा लगता है करना वो लिखो, लेकिन उसको एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करो कि कैसे कंस्ट्रक्टिवली लिंक करना है इससे. सो दैट इज माई टेक ऑन हॉबीज. इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. और प्लीज 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 आप फेक हॉबीज मत लिखिए, वो बहुत गंदा इंप्रेशन डालता है और वो बहुत जल्दी एक्सपोज भी हो जाओगे आप पैनल के सामने उससे. सो फाइनली मैं कंक्लूड करते हुए, अपनी बात कंक्लूड करते हुए कहता हूँ, आई होप कि मेरा जो ये टॉक था ये न्यू एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा. और मैं आपसे बस फाइनली एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जस्ट एक सिंगल माइंडेड फोकस, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. तो इस फिलॉसफी को आप इम्बाइब कर लीजिए बिल्कुल अपने अंदर, आप अपने अंदर इमर्ज कर लीजिए इसको. उठ जाइए, काम पे लग जाइए और तब तक मत रुकिए जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते. इसी बात के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.